हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अभी आप यहां पे देख रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% फिक्स पूछे जाएंगे। आज मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज बेस्ट इलस्ट्रेट्स ऑफ दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखते हुए अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है डिट्रॉयरेटिंग फैमिली रिलेशंस, ऑप्शन बी है। कल्चरल इम्पोर्ट ऑफ द वेस्ट, ऑप्शन सी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स, या फिर ऑप्शन डी होगा। रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन द फैमिली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कल्चरल इम्पोर्ट ऑफ द वेस्ट। नेक्स्ट आगे के भी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एबव फिगर इज द सिंबल ऑफ। अब ये जो फिगर है ये क्या सिंबल को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। तो ऑप्शंस इसमें दिया गया है, पहला पावर एंड अथॉरिटी, ऑप्शन बी है पावर एंड जस्टिस, ऑप्शन सी है जस्टिस एंड लियाबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी होगा पावर एंड लियाबिलिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पावर एंड अथॉरिटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 3 को देखते हैं। थर्ड है, द सिग्निफिकेंस ऑफ अबव इमेज इज। अब ये जो इमेज है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ऑप्शंस इसमें दिया गया है, रिवेंज एंड वेंगेंस, ऑप्शन बी है हीरोइज्म एंड जस्टिस, ऑप्शन सी है लियाबिलिटी एंड जस्टिस, या फिर ऑप्शन डी होगा जस्टिस एंड रिवेंज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हीरोइज्म एंड जस्टिस। नेक्स्ट आगे के भी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एबव पिक्चर विच थिंग इज बींग ऑफर्ड टू द पीपुल। ऑप्शन इसमें दिया गया है, गॉडेस इज ऑफरिंग क्लॉथ्स टू द पीपुल, ऑप्शन बी है गॉडेस इज ऑफरिंग फूड टू द पीपुल, ऑप्शन सी है गॉडेस इज ऑफरिंग ब्लेस टू द पीपुल, या फिर ऑप्शन डी होगा गॉडेस इज ऑफरिंग ब्लेस एंड फूड टू द पीपुल। तो इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गॉड है वो कपड़ा दे रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये हम लोग का राइट आंसर होगा, गॉडेस इज ऑफरिंग क्लॉथ्स टू द पीपुल। नेक्स्ट आई के भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे इस पिक्चर को अब हमें देख के स्टडी करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हु अमोंग द फॉलोइंग हैज पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। तो जर्मेनिया के इस पिक्चर को किसने पेंट किया है। ऑप्शन दिया गया है, नैथेनियल क्यूरियर, ऑप्शन बी है फिलिप हाइट, ऑप्शन सी है एडवर्ड बेली, या फिर ऑप्शन डी होगा रिचर्ड सेल्टन स्टॉल ग्रीनॉफ। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलिप वाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट अब 6 दिया गया है, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस पिक्चर ऑफ प्रिंटर्स वर्कशॉप। तो इस पिक्चर को आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके नीचे ऑप्शंस दिया गया है कि इट डिफिक्ट्स वर्कशॉप ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। बी नंबर है गैलीज आर बींग प्रिपेयर्ड, ऑप्शन सी है द प्रिंटर्स आर टर्निंग द स्क्रूज ऑफ द प्रेस, या फिर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द दीज। तो इसमें राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए आगे के भी क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी पिक्चर को देख कर स्टडी करना है। और इसमें जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सिंबल्स ऑफ अशोकास पिलर। आगे इसके ऑप्शंस और साथ ही फिगर को आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आगे का ऑप्शन है सीमी कृष्णाज रथ इन महाभारत, ऑप्शन सी है द राइजिंग सन, या फिर ऑप्शन डी सिंबल्स ऑफ यूनिटी होगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिंबल्स ऑफ यूनिटी। अब आगे का क्वेश्चन है, इसमें भी इस फिगर को देख के स्टडी करना है। और इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ भारत माता। ऑप्शन है वंस नेशनलिज्म, वंदे मातरम, हीरोइज्म एंड जस्टिस, या फिर फॉल्क एंड कल्चरल ट्रेडिशन। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है, वंस नेशनलिज्म। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर है, इस पिक्चर को देख के स्टडी करना है। और क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस पिक्चर। ऑप्शन है वुमेन सफरेज, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी है
वुमेन पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, या फिर ऑप्शन डी होगा वुमेन पार्टिसिपेटेड इन नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो पिक्चर है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पिक्चर वुमेन पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में क्या जो है वो पिक्चर है, तो ये हम लोग का सही आंसर हुआ। अब एक आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, स्टडी द पिक्चर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन दिया गया है विच आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ द कुरियर ऑफ राइनलैंड। ऑप्शन दिया गया है विक्ट्रीज ऑफ नेपोलियन, डिफिकल्टीज फेस्ड बाई नेपोलियन, ऑप्शन सी है लूजेज ऑफ नेपोलियन, या फिर ऑप्शन डी होगा जर्नी ऑफ नेपोलियन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लूजेज ऑफ नेपोलियन। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आज मैंने आप लोग को दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% फिक्स पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी नंबर्स के हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।